बिहार की परीक्षाएं हमेशा विवादों में रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक और परीक्षा बिहार एसएससी सीएचएसएल के बाद जो कि बीपीएससी 67वीं का बन चुका है, 2 साल होने को जा रहा है इसके नोटिफिकेशन को निकले हुए और अभी तक इसके परीक्षा जी हाँ एक बार कैंसिल होकर स्थगित हो चुकी है और अभी भी ये विवादों में फंसी हुई है। विवाद यहाँ पर 2 शिफ्ट में लेने को परीक्षा को लेकर हुई। जी हाँ, यहाँ पे नए अध्यक्ष हमारे महोदय बने हैं, उन्होंने ये जारी किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातें कि इस परीक्षा को हम लोग 2 शिफ्टों में लेंगे और परसेंटाइल नियम लागू करेंगे यहाँ पे, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश हुआ और वो आंदोलन करने के ऊपर यहाँ पे आगे बढ़े। सोमवार को ट्विटर के माध्यम से भी बहुत सारे छात्रों ने, लाखों छात्रों ने ट्वीट किया कि इस परीक्षा को जी हाँ परसेंटाइल हटाया जाए और 2 पालियों में परीक्षा नहीं ली जाए। और आज यानी कि यहाँ शुक्रवार को ये बातें सारी चीज़ें हैं, कार्यालय के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो उनमें से मैं उनको एक्चुअली धन्यवाद करना चाहूँगा, उन सभी छात्रों को और साथ में उन छात्र नेता को जो कि दिलीप कुमार नाम है उनका और जो कि प्रतिनिधि बनकर हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने बैठे और बात किए इन सभी विषयों पर। उन्होंने अपने सारे तथ्य रखे हैं, उन्होंने अपने तथ्य जो बातें रखी हैं उन्होंने कि पहला तो परसेंटाइल सिस्टम हटाइए, यहाँ से 2 पाली वाला जो सिस्टम है इसको हटाइए। जो परीक्षा हमारी पहले से ली जा रही थी जिस तरह से, उस तरह से ही ये परीक्षा होनी चाहिए। एक शिफ्ट में परीक्षा हो और एक ही दिन परीक्षा हो, परसेंटाइल सिस्टम हटाइए। उन्होंने एक और बात यहाँ पे रखी कि आप सेंटर्स जो हैं 300-400 किलोमीटर दूर मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि अन्य राज्यों से आते हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो कि बाहर रह के तैयारी करते हैं और वो परीक्षा देने आते हैं और वो परीक्षा देने आए और फिर जहाँ पे उनके गंतव्य स्थान से उनका सेंटर 300-400 किलोमीटर दूर और रहता है, तो उनको परेशानी हो रही है। और या तो फिर जो भी छात्र बिहार में रह के तैयारी कर रहे हैं उनका सेंटर आप, जैसे कि जो छात्र दक्षिण बिहार का है उनको उत्तर बिहार में सेंटर दे दिए हैं और उत्तर बिहार वालों को दक्षिण बिहार में सेंटर दे दिए हैं और पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब कर दिए हैं। तो ये जो आपका परीक्षा लेने का नीति है इसको बदलिए, ये बातें वहाँ उन्होंने यहाँ पर सामने रखी है। तीसरी चीज़ें यहाँ पर कि जो भी हमारा एग्ज़ाम है इसके लिए एक देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होना चाहिए और उसी एग्ज़ाम कैलेंडर के बिहाफ में ये बातें सारी लिख दी जाए और उस डेट में संभवतः वो एग्ज़ाम हो जाए। तो ये सारी बातें उन्होंने सामने रखी अध्यक्ष महोदय के सामने। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग आपकी बातें समझते हैं, यहाँ पे हम परसेंटाइल सिस्टम भी हटा देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम डेट को लेकर कि अगर एग्ज़ाम जो है, उन्होंने ये कहा कि अगर एग्ज़ाम जल्दी करवाना है तो हम लोगों के पास ज़्यादा सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, मात्र ऐसे 2.5 लाख छात्रों का ही हम परीक्षा दिलवा सकते हैं अपने जो अवेलेबल सेंटर्स हैं। अब यहाँ पे विवाद फिर से उठेगा, जब आप 8 मई को परीक्षा लेने के लिए तैयार हुए थे तो ठीक याद कीजिए कि आपका अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और वो अप्रैल का नोटिफिकेशन मैंने आपको अपने चैनल पे दिखाया भी था कि अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 1 महीने के अंदर जो है सारे सेंटर्स अवेलेबल कराए जाए, सभी जिलाधिकारियों को एक नोटिफिकेशन दिया गया था और वो नोटिफिकेशन को दिखाया गया था चैनल पे भी और बाकी सारे लोग भी दिखलाए थे उसको, फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुआ था। तो 1 महीने के अंदर 8 मई को होने वाली परीक्षा को लेकर जब सेंटर सारे दिए जा सकते थे तो इस बार लेट क्यों? और 2.5 लाख ही सेंटर्स उन्होंने कहा है कि हमारे पास अवेलेबल है, 2.5 लाख लोगों के लिए सेंटर अवेलेबल है अभी जिसकी हम परीक्षा करा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे हम लोग सब कुछ जांच कर रहे हैं कि कहाँ पे धांधली नहीं हो सके और ये पारदर्शी रूप से हो सके ये परीक्षा, तो वैसे में 2.5 लाख छात्रों का ही यहाँ पे परीक्षा कराया जा सकता है, जिसको लेकर हम लोगों ने 2 पालियों में ये परीक्षा रखने की संभावनाएं यहाँ पे आपके सामने रखी थी और इसमें परसेंटाइल सिस्टम को लागू करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2 पालियों का रिजल्ट देना है हमें, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। अब इन्होंने कहा कि अगर आप अपने छात्र लोगों से बात कर लीजिए कि अगर उनको जल्दी एग्ज़ाम लेना है, जल्दी परीक्षा देनी है तो यहाँ पे आप लोगों को 2 पालियों में परीक्षा देनी होगी और उसका एग्ज़ाम डेट हम लोग जल्द से जल्द 3 से 4 दिन में जारी कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चाहते हैं कि ये परीक्षा एक शिफ्ट में हो तो ये परीक्षा का तिथि हो सकता है 4 से 5 महीना डिले, यानी कि बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं है कि ये परीक्षा फिर से कदाचार मुक्त होगी या फिर कदाचार में ही होगी, ये कोई कन्फर्मेशन थोड़ी ना है, आज लीजिए परीक्षा या कल लीजिए परीक्षा, ये बातें यहाँ अभी खुलेंगी। चूँकि देखिए बुधवार को
एक इनको बुलाया गया है, हमारे जो छात्र नेता हैं यहाँ पे दिलीप जी, इनको बुलाया गया कि आप सभी चीज़ों से आप पहले रूबरू हो लें अपने छात्रों से और बात सभी बातें उनके सामने रखिएगा। और उन्होंने यहाँ पे मीडिया के सामने आके अपने सारी बातें रखी भी हैं, तो उनके कंधे पर अब एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा काम दे दिया गया है उनको। अब यहाँ पे उनको पता करना है कि किस तरीके से और किस तिथि में और किस स्थिति में जो है परीक्षा ली जाए, ये सारी बातें यहाँ पे सामने होकर आएंगी। अभी बुधवार तक इनको वहाँ पे भी जाना है उनके सामने फिर से एक बार, और ये अपनी बातों को रखना है, हम सब की बातों को यहाँ पे वो रखेंगे जो कि एक प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं आगे बढ़ के। तो परीक्षा अभी भी विवादों में है, अभी भी कोई एग्ज़ाम डेट की बात नहीं की गई है। वहाँ पे मीडिया के द्वारा जो है कुछ सवाल उनसे पूछे गए कि क्या परीक्षा हमारा जो है नवंबर या अक्टूबर या दिसंबर में कब तक होने की संभावना है। तो देखिए, अगर ये जो डेट बताए जा रहे हैं कि 3 से 4 महीना लग सकता है, तो दिसंबर जनवरी भी जा सकता है डेट, है ना, अगर एक दिन में एग्ज़ाम लिया जाए तो। और अगर जल्दी होगा तो हो सकता है कि नवंबर में संभवतः हो जाए, लेकिन 2 पालियों में परीक्षा होगी है, ये बातें उन्होंने रखी थी यहाँ पे सामने। तो अभी भी ये जो बीपीएससी परीक्षा है तो विवादों में ही, और परीक्षा आज भी विवादों में है। अब इसका एक ही उपाय है आप लोग के सामने कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दिलीप जी को, और जो कि आप लोग के लिए आगे बढ़कर गए हैं, और सभी को मिल के देखिए ऑनलाइन। तो चूँकि क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी बाहर हैं, अपनी तैयारी को लेकर भी बाहर रहते हैं और तैयारी करते हैं, बहुत सारे छात्र पटना से जो थे जो तो पहुँचे वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक कम जो संख्या थी वहाँ पे पहुँचने वालों की, बहुत कम संख्या थी, सैकड़ों में ही संख्या थी। लेकिन सपोर्ट करना है तो आपको आगे आना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से परीक्षा हो या और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, तो आपको आगे आना होगा, इनका सपोर्ट करना होगा, इनके साथ चलना होगा, जो कि आपको एक राह दिखा के आगे ले जा रहे हैं और आपकी बातों को अध्यक्ष के सामने रख रहे हैं। क्योंकि हर एक छात्र का तो बात यहाँ पे बीपीएससी आयोग सुनेगा नहीं ना, तो इनके साथ ही इनके सपोर्ट में अगर हम लोग सब एक साथ खड़े हुए तो शायद हमारी बातें जो है इनके थ्रू वहाँ जा सकती हैं। तो इनका एक ये उपाय है, लेकिन आपको करना क्या है, अब अपनी परीक्षा को लेकर रणनीति बनाइए, और एक बार फिर से क्योंकि अब देखिए आपका परीक्षा है कम से कम नवंबर तक तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा है कि 2.5 लाख ही सेंटर हमारे पास लोगों का अवेलेबल है, तो जैसा कि लग रहा है कि यहाँ पे नवंबर तक भी अक्टूबर तक भी परीक्षा नहीं होगी संभवतः। अब यहाँ पे जो आपके पास समय मिल रहा है ना, इसका बहुत लोगों के साथ नुकसान पहुँचा सकता है कि तैयारी है, अब एग्ज़ाम में फोड़ना है, लेकिन अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन जो है ना कम हो जाएगा, वहाँ से पढ़ाई कम हो जाएगी और अपना रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है। तो आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन करके आगे बढ़ना है। मुझे पता है ये तकलीफ़ होगी सबको, कि कहना यहाँ पे मेरा उचित भी नहीं है कि और पढ़िए, एग्ज़ाम होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ये तो एक बात होती है, लेकिन आयोग को भी सामने आकर यहाँ पे हर चीज़ जो है ना ऑफिशियल बताना चाहिए मेरे ख्याल से। और आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि परीक्षा अभी अक्टूबर नवंबर में नहीं होने जा रहा है, और ये क्यों देरी हो रही है ये सब कारण हमने आपको यहाँ बताया है, और आप लोग भी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से दिलीप जी का बात सुन रहे होंगे, तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि सपोर्ट कीजिए, सभी का सपोर्ट कीजिए, एक साथ होकर एकजुट में आएंगे सब कोई तो बातें सुनी जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और CSBC का इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर जो भी छात्र हैं, मैं आपको बता दूं कि आपका अगले हफ्ते रिज़ल्ट आ रहा है 8415 पद का, जो कि सिपाही भर्ती को लेकर है। अगले हफ्ते मंडे तक या ट्यूसडे या वेंसडे को आपका रिज़ल्ट आउट हो सकता है, मेरिट लिस्ट आ सकता है आप लोगों का। तो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है आपकी भी। जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।